हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपी राउटिंग, जिसे हम लैन राउटिंग भी कहते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक विंडोज सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, जिससे कि वो एज ए राउटर वर्क करता है। तो देखते हैं कि क्या क्या इस लेक्चर में कवर होगा। सबसे पहले व्हाट इज़ राउटिंग, प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं राउटिंग के लिए, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ राउटिंग, कितने प्रकार की राउटिंग होती है, एंड कैसे देन हम विंडोज सर्वर को एज ए राउटर यूज़ करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन के सारे स्टेप्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ राउटिंग। राउटिंग मीन्स टू फाइंड द वे फॉर सेंडिंग द पैकेट्स और टू सर्च द बेस्ट रूट फॉर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली राउटिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसमें एक नेटवर्क से पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए बेस्ट पॉसिबल रूट को फाइंड किया जाता है, बेस्ट पॉसिबल रूट को डिफाइन किया जाता है। यह OSI मॉडल की लेयर 3, जो कि नेटवर्क लेयर होती है, उसका कार्य है, उस पर यह सब पूरा वर्क होता है। एंड देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ राउटिंग, दो प्रमुख इसके कॉम्पोनेंट होते हैं राउटिंग के। फर्स्ट वन इज़ पाथ डिटर्मिनेशन एंड सेकेंड इज स्विचिंग। पाथ डिटर्मिनेशन में क्या होता है, इसका मतलब है टू फाइंड द बेस्ट रूट। एंड स्विचिंग में क्या होता है, स्विचिंग मीन्स पैकेट्स को जो प्री डिफाइंड पाथ है, जो बेस्ट पॉसिबल रूट आपका फाइंड हुआ है, उस पर सेंड करने को स्विचिंग करते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ये मैं आपको बता रही हूँ कि पाथ डिटर्मिनेशन और स्विचिंग क्या होता है। इन दोनों से मिलकर राउटिंग बनी होती है, राउटिंग वर्क करती है। टाइप्स ऑफ राउटिंग, राउटिंग के कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली राउटिंग टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है, और हाइब्रिड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक यूज़ होता है। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। तो स्टैटिक राउटिंग में इसमें क्या होता है कि फिक्स रूट होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसलिए किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की इसमें ज़रूरत हमें नहीं होती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही रूट को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कहाँ जाना है पैकेट्स, डिफरेंट नेटवर्क्स के रूट्स। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए तो ये यूज़फुल होती है, लेकिन लार्ज नेटवर्क्स के लिए ये डिफ़िकल्ट होती है बहुत। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म नहीं होती, कि इन केस अगर कोई रूट डिस्टर्ब होता है, डाउन होता है, तो उस केस में सेकंड रूट आपको मैन्युअली ही फिर एडमिनिस्ट्रेटर को डिसाइड करना होगा। ऑटोमेटिकली फॉल्ट टॉलरेंस उसमें नहीं होगा। तो लेकिन इसका एडवांटेजेस भी हैं, एक स्मॉल नेटवर्क में यूज़फुल होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो सेलेक्टेड नेटवर्क से राउटिंग अलाउ करते हैं, ठीक है। तो उसकी नॉलेज में होता है कि किस नेटवर्क से आपकी राउटिंग चल रही है, तो ये सिक्योर होती है। और राउटर्स के बीच बैंडविड्थ का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए भी ये भी इसका एक एडवांटेज है। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो इसमें वन रहता है, जिसके कारण ये सिक्योर, मोस्ट सिक्योर होती है। सेकेंड आपका डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, इस केस में राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जो कि रूट डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें राउटिंग टेबल एक राउटिंग जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली रूट एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। जैसे भी चेंजेस होते हैं वो राउटिंग टेबल में अपडेट होते रहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका रूट जो है चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट ऑफ रूट। सो अगर एक रूट आपका डाउन है या डिस्टर्ब है, तो पैकेट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट रूट, जो भी बेस्ट पॉसिबल रूट है, उससे पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इजी होती है और इफ़ेक्टिव भी है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक राउटिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होती है, और स्टैटिक राउटिंग के कंपैरिजन में सिक्योरिटी कम होती है, दिस इज़ लेस सिक्योर। थर्ड वन इज़ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग में क्या होता है, इस मेथड में जो है राउटर से भी पैकेट्स को नेक्स्ट राउटर जो है, जो कि नेक्स्ट हॉप है उसका, सेकंड बिल्कुल उसके बाद इमीडिएट जो भी राउटर है उसको सेंड करता है, यानी कि सभी पैकेट्स को एक डिफ़ॉल्ट रूट पे सेंड कर देता है आगे वाले राउटर के पास, चाहे वो किसी भी नेटवर्क में
उस पैकेट को जाना हो, उसका डेस्टिनेशन कहीं भी हो। तो ये स्कीम बेसिकली स्टब राउटर्स के केस में यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट राउटर होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट राउटर कहलाता है कि जिसके पास पूरा ट्रैफिक आता है एंड देन वो आगे फॉरवर्ड करता है। हाइब्रिड के केस में मिक्स हो जाता है स्टैटिक डायनेमिक का कि उस थोड़ा सा उसमें आप स्टैटिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंड बाकी डायनेमिकली उसको जो है कुछ रूट्स डिफाइन होते हैं तो वो आपकी हाइब्रिड राउटिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो राउटिंग के केस में जो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स इन द राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी किया। दो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या थे, पाथ डिटरमिनेशन एंड स्विचिंग। इन दोनों के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली राउटर्स के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं जिससे कि राउटिंग टेबल मेंटेन की जाती है। जिसका काम राउटर्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, यानी कि पाथ डिटरमिनेशन। सेकंड है राउटर प्रोटोकॉल। राउटर प्रोटोकॉल का कार्य क्या है, बेसिकली वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक राउटर से दूसरे राउटर। इन्हें हम कैरियर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे IPv4, IPv6। अब देखते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जब हम बात करते हैं तो वो डायनेमिक राउटिंग होती है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में तो प्रोटोकॉल्स यूज ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग में दो तरीके के प्रोटोकॉल्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। वन इज IGP एंड सेकेंड इज EGP। IGP मीन्स इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड EGP मीन्स एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो IGP क्या होता है, ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये है आपके इंट्रानेट में वर्क करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि RIP, IGRP, OSPF, EIGRP एंड जो EGP होता है वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एनवायरमेंट्स और टू कनेक्ट द डिफरेंट इंट्रानेट्स। डिफरेंट एनवायरमेंट या डिफरेंट इंट्रानेट्स की बीच कनेक्शन के लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज। एग्जाम्पल है जैसे पॉजिटिव प्रोटोकॉल एंड ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा मैं प्रोटोकॉल की डिटेल में यही नहीं जाऊँगी क्योंकि ये जो है नेटवर्किंग का काम है। यहाँ से हम बेसिक दे रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स आगे आपको देखना है कि कैसे जो है एक विंडोज सर्वर को कैसे आप राउटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देर आर टू कैटेगरीज फॉर द राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। अभी हम राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स के, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल की दो कैटेगरीज हो गई हैं, क्लासफुल राउटिंग एंड क्लासलेस राउटिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लासफुल और क्लासलेस में क्या डिफरेंस है। एक सिंपल सा डिफरेंस जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, वो यह है कि क्लासलेस राउटिंग एंड क्लासफुल राउटिंग में सिंपल सबनेट मास्क का एक डिफरेंस होता है। इसको सबनेट मास्क का डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, क्लासफुल के केस में सबनेट मास्क सेम रहता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो सबनेट मास्क की सेम होता है, एक ही सबनेट मास्क है पूरी टेबल में। ठीक है, इसलिए चूँकि सेम है तो इसको हमें राउटिंग टेबल में अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके केस में सबनेटिंग और सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। एग्जाम्पल है इसके जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि RIP एंड IGRP। दूसरा होता है क्लासलेस। तो क्लासलेस में क्या होता है, सबनेट मास्क अपडेट होता है, चेंज हो रहा है। देखिए आप सबनेट मास्क चेंज चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो उसको अपडेट भी करना होता है, तो सबनेट मास्क अपडेट होता है राउटिंग टेबल में। क्लासलेस राउटिंग सबनेटिंग और सुपरनेटिंग को सपोर्ट भी करती है एंड इट इज़ मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन टू क्लासफुल। क्लासफुल के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें OSPF और EIGRP प्रोटोकॉल आते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका स्टेटस चेकिंग के लिए हेलो मैसेज का भी यूज़ किया जाता है। क्लासलेस के केस में, क्लासफुल के केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं हम कुछ टर्म्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स मीन्स सम इंफॉर्मेशन और राउटिंग मैसेज टू फाइंड द बेस्ट रूट ऑटोमेटिक। ठीक है,
बेस्ट रूट्स को ऑटोमेटिक फाइंड करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स कुछ इंफॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं, तो इंफॉर्मेशन के लिए जो कुछ टर्म्स यूज होती हैं वो देखते हैं क्या है। नंबर वन हॉप काउंट, इट मीन्स राउटर्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन और राउटर्स विच आर एक्चुअली यूज टू पास अवर पैकेट, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में आप जितने भी राउटर्स कनेक्टेड हैं ठीक है, तो उनको काउंट करके वो आपका हॉप काउंट कहला रहा है। सपोज सोर्स सिस्टम एंड सर्वर एंड डेस्टिनेशन के बीच में आपके तीन राउटर्स हैं तो आपका हॉप काउंट क्या हो जाएगा, थ्री। तो सेकेंड है बैंडविड्थ, इट इज डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क इन बिट्स पर सेकेंड ठीक है। एक नेटवर्क में डेटा कैरिंग कैपेसिटी को बैंडविड्थ कहते हैं, इसको हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। इस बैंडविड्थ इज मोर देन कॉस्ट यूजिंग लेस, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो कॉस्ट कम होती है ठीक है, प्रोटेक्शन होती है कॉस्ट। थर्ड है कंजेशन, इट मीन्स नेटवर्क ट्रैफिक और लोड, कंजेशन डिफाइन करता है नेटवर्क के ट्रैफिक और कितना लोड है। फोर इज डिले, इट इज टाइम फॉर विच पैकेट इज होल्ड बाई राउटर बिफोर पासिंग टू द नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप यानी नेक्स्ट राउटर को पास करने से पहले एक राउटर के पास कोई पैकेट कितने टाइम तक अवेलेबल है, होल्ड किया हुआ है, उसको हम डिले कहलाते हैं। एंड मैक्सिमम डिले कैन बी 5 मिनट, 5 मिनट का आप मैक्सिमम डिले हो सकता है। फिफ्थ इज एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, इट मीन्स रिलायबिलिटी और इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू राउटर्स, दो राउटर्स के बीच का डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहलाता है ठीक है, इसको हम रिलायबिलिटी से भी डिनोट करते हैं। इफ एडी इज लेस, अगर एडी जितना कम है देन देर विल बी मोर रिलायबिलिटी, सिस्टम विल बी मोर रिलायबल। तो एडी फॉर रिप इज इक्वल टू 120, EIGRP के केस में 90 और OSPF के केस में 110, और स्टैटिक राउटिंग के केस में हमने क्या पढ़ा था, AD हमेशा क्या होता है 1 होता है। MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पैकेट और मैसेज विच कैन बी पास बाई राउटर, राउटर द्वारा जितना मैक्सिमम साइज का पैकेट ट्रांसमिट किया जाता है इसको हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं। अब देखते हैं टर्म्स यूज इन द राउटिंग प्रोसेस फॉर राउटेड प्रोटोकॉल, वो क्या है। नंबर वन ऑटोनोमस सिस्टम, इट मीन्स डोमेन विद राउटिंग एनवायरनमेंट और इट इज़ एन इंटरनेट विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है एक राउटिंग एनवायरनमेंट, इट मीन्स डोमेन होता है एक राउटिंग एनवायरनमेंट में, और ये इसको हम क्या समझ सकते हैं कि इट इज़ एन इंटरनेट विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। तो डोमेन का मतलब हो गया जहाँ डोमेन कंफिगर करेंगे तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका ठीक है, और एक इज एन इंट्रानेट। सेकंड इज एरिया, इट मीन्स सबनेट और ब्रांच ऑफिस ठीक है, तो एक आपका सबनेट या ब्रांच ऑफिस एरिया कहलाता है। इंटरमीडिएट सिस्टम, द डिवाइस विच कैन फॉरवर्ड द पैकेट्स और विच कैन सपोर्ट राउटिंग, इंटरमीडिएट सिस्टम क्या होता है, वो डिवाइस जो कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है या राउटिंग को सपोर्ट करती है उसको IF कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है राउटर और स्विच। एंड सिस्टम क्या होता है, द डिवाइस विच कैन नॉट फॉरवर्ड द पैकेट्स और विच कैन नॉट परफॉर्म द राउटिंग फंक्शन। एंड सिस्टम वो डिवाइसेस होती हैं जो पैकेट्स को ना तो फॉरवर्ड कर सकती हैं ठीक है, और ना ही राउटिंग का फंक्शन को सपोर्ट करती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं। इसमें डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड PCs आती हैं। हेलो आपका मैसेज है, अभी हमने डिस्कस भी किया था लास्ट स्लाइड में, व्हेन एनी कंप्यूटर राउटर विच कनेक्ट टू द नेटवर्क इट विल ब्रॉडकास्ट इट्स इंफॉर्मेशन ठीक है। जैसे ही कोई भी कंप्यूटर या राउटर नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है हेलो मैसेज से। हार्ट बीट क्या होती है, इट मीन्स ईच राउटर विल एडवर्टाइज इटसेल्फ और सेंड सिग्नल अदर राउटर्स आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, तो प्रत्येक राउटर जो होता है वो 30 सेकेंड के अंतराल पे अपने आसपास के नेबर राउटर्स को जो है इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करता है, सिग्नल सेंड करता है, उसको ये कहलाती है हार्ट बीट। ब्लैक होल क्या होता है, इट इज राउटर विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू हार्ट बीट, और सपोज कोई राउटर है जो हार्ट बीट को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। अब हम ये था हमारा बेसिक्स ऑफ राउटिंग, जो आपको जानने ज़रूरी थी कि राउटिंग का क्या प्रोसेस है और कैसे कितनी तरीके की राउटिंग टाइप्स ऑफ राउटिंग राउटर्स एंड कैसे कैसे हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है।
ठीक है। अब देखते हैं कि विंडोज़ सर्वर को एज ए राउटर कैसे कंफिगर किया जाता है। यहाँ मैंने पहले स्टेप दिया है विंडोज़ सर्वर 2008 के केस में, क्योंकि आपके सिलेबस में 2008 सर्वर है, एंड उससे आगे फिर लेटेस्ट मैं आपको बताऊँगी विंडोज़ सर्वर 2016 में क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विंडोज़ सर्वर 2008 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन सर्वर मैनेजर कंसोल, देन गो टू रोल्स, देन ऐड रोल्स, उसके बाद सेलेक्ट NPS, ये होता है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, तो सिलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट IP राउटिंग, तो ऑप्शन उसमें आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रोल जो है IP राउटिंग का वो इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप जाएंगे प्रोग्राम में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, देन राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, देन कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो आप कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, लैन राउटिंग पे जाएंगे, एंड जो भी सेटिंग्स होंगी उसको आप ओके करते हुए नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। इस तरीके से आपका सर्वर विंडोज सर्वर 2008 में एज अ राउटर इंस्टॉल एंड कंफिगर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विंडोज सर्वर 2016 में कैसे होता है। ओपन सर्वर मैनेजर, देन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, उसके बाद एक्सेप्ट डिफॉल्ट सिलेक्शन, जो भी वहाँ पे सिलेक्शन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, देन रिमोट एक्सेस सर्वर रोल्स पे जाएंगे, देन नेक्स्ट सेलेक्ट रोल सर्विसेज, उसके बाद राउटिंग, रोल सर्विसेज में आप राउटिंग सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सेप्ट डिफॉल्ट सिलेक्शन, जो भी आपके सिलेक्शन आएंगे उनको एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे टिल इंस्टॉलेशन। तो इस तरीके से सर्वर में IP राउटिंग का रोल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दैन उसको कन्फिगर करने के लिए इनेबल लैन राउटिंग सर्विसेज को इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, सर्वर मैनेजर कंसोल पे जाएंगे, देन रिमोट एंड राउटिंग एक्सेस कंसोल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करेंगे सर्वर नेम पे, जो कि आपका सर्वर नेम वहाँ शो कर रहा होगा, उस पर लोकल सर्वर नेम पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, को उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, देन नेक्स्ट, उसके बाद कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, देन लैन राउटिंग, और उसके बाद नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देंगे। व्हेन द सर्वर मैसेज बॉक्स डिस्प्लेज, तो ये सब कॉन्फ़िगर होने के बाद जब आपका सर्वर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सर्विस टू स्टार्ट द रिक्वायर्ड सर्विस, एंड दैट्स ऑल सिंपल स्टेप्स है जिसके थ्रू आप एक विंडोज सर्वर को एज अ राउटर यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।